आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटता हुआ तारा कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में चलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्व तो बहुत अधिक होता है क्योंकि इनके अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। एक 40 साल के शख्स की आसमान से उल्का पिंड गिरने पर मौत हो गई घटना तमिलनाडु के वेल्लोर शहर की है। यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आसमान से उल्का पिंड गिरा। इसके गिरने का धमाका इतना तेज था कि पास खड़े एक ड्राइवर की मौत हो गई। बगल में ही एक बस खड़ी थी जिसके शीशे चूर चूर हो गए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डी ट्रॉली नामक दार्शनिक ने इटली में गिरे हुए उल्का पिंड का वर्णन करते हुए यह विचार प्रकट किया कि वह खमंडल से टूटते हुए तारों के रूप में आया होगा, किंतु किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सन 1794 में साइबेरिया से प्राप्त एक उल्का पिंड का अध्ययन करते हुए यह सिद्धांत प्रस्तावित किया कि ये पिंड खमंडल के प्रतिनिधि होते हैं, पर इस बार भी यह विचार तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। सन 1803 ईस्वी में फ्रांस में ला एगिल स्थान पर उल्का पिंडों की एक बहुत बड़ी बारिश हुई जिसमें अनगिनत छोटे बड़े पत्थर गिरे और उनमें से 2-3 हजार इकट्ठे भी किए गए। विज्ञान की फ्रांसीसी एकेडमी ने इस वृष्टि की पूरी छानबीन की और अंत में किसी को भी यह संदेश नहीं रहा कि उल्का पिंड वस्तुतः खमंडल से ही पृथ्वी पर आते हैं। उल्का पिंडों की उत्पत्ति का विषय बहुत ही विवादास्पद है। इस विषय पर अनेक मत समय समय पर प्रस्तावित हुए जिनमें से कुछ में इन्हें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और धूमकेतु का अंश माना गया। एक अति मान्य मत के अनुसार इनकी उत्पत्ति एक ऐसे ग्रह से हुई जो अब पूर्णतः नष्ट हो गया है। इस विचार में यह कल्पना की जाती है कि प्राचीन काल में मंगल के आकार का एक ग्रह रहा होगा जो किसी दूसरे बड़े ग्रह के अत्यंत समीप आ जाने पर इसी दूसरे ग्रह से टकरा कर विनष्ट हो गया होगा। इसमें अरबों की संख्या में छोटे बड़े खंड बने जो उल्का के रूप में खमंडल में विचार कर रहे हैं। इस मत के अनुसार धात्विक उल्का उस कल्पित ग्रह का केंद्रीय भाग तथा आस्मिक उल्का ऊपरी पृष्ठ निरूपित करते हैं। यद्यपि इस कल्पना से उल्का पिंडों के अनेक लक्षणों की व्याख्या हो जाती है, फिर भी अनेक बातें अनबूझी पहली रह जाती है, तो यह मत मान्य नहीं हुआ। बारिश क्या होती है, यह क्यों होती है, इसको इंग्लिश में लियोन मटेरियल सावर कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 17-18 नवंबर को पृथ्वी के आकाश में होने वाली खगोलीय घटनाएं जिसमें सैकड़ों उल्का पिंड धरती की ओर गिरते हैं और उसके वायुमंडल में पहुंचकर जल उड़ते हैं तथा कुछ ही सेकंडों में समाप्त हो जाते हैं, यह घटना आकाश में होने वाली दिवाली की आतिशबाजी सी प्रतीत होती है। यह घटना क्यों होती है, इस घटना का क्या कारण है, हम आगे बताते हैं। इस घटना का कारण धूमकेतु टेंपल टटल द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे के मार्ग से पृथ्वी का गुजरना है। 17-18 नवंबर को जब पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ से गुजरते हुए इस स्थल पर पहुंचती है तब मलबे के हजारों टुकड़े पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आकृष्ट होकर पृथ्वी की तरफ गिर पड़ते हैं। जब कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वह जल उठता है। वह अपने पीछे एक गिरती हुई रोशनी की लकीर छोड़ता है। जब बहुत बड़ी संख्या में उल्का पिंड चलते हैं तो वह उल्का वृष्टि का रूप ले लेते हैं और इसे हम उल्का पिंड की बारिश कहते हैं। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।